माँ के खाने का स्वाद आओ मिलके बनाए। बादाम कुल्लड़ कुल्फी मार्केट से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और अमेजिंग कुछ ही मिनटों में बनेगी। आओ बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे हम आधा लीटर दूध। मैंने पहले से उबला हुआ लिया है, आप कच्चा भी ले सकते हो। आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। ठंडे दूध में पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे ताकि कोई बुबली ना बने। हमने फुल फैट दूध लिया है, मिल्क पाउडर इसलिए डाला है ताकि हमारी कुल्फी अच्छी क्रीमी बने। अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे, अच्छे से चलाते एक उबाल आने देंगे। इतना दूध गर्म होता है, हम साथ ही बाकी की तैयारी करेंगे। साथ ही हम 10 से 15 बादाम लेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे। साथ ही हम थोड़े काजू लेंगे, काजू भी हम 10 से 12 डालेंगे। आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हो। आधा कप हम चीनी का डालेंगे, पीस के फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। आप देख सकते हो हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना के तैयार किया, अच्छे से पीस गया, दूध में उबाल आ गया, अच्छे से पकने लगा है। चीनी और बादाम का पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, मीडियम आंच करके अच्छे से पकाएं ताकि बढ़िया गाढ़ा हो जाए। 3 से 4 मिनट हमने दूध को अच्छे से उबाला, आप देख सकते हो अच्छा गाढ़ा होने लग गया है। साथ ही हम अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची पाउडर। साथ ही हम थोड़े से केसर के धागे डालेंगे, आपके पास हो तो डालें वरना ऐसे ही बनाए। डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और खुशबूदार बनेगी, अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से पक जाए, बढ़िया गाढ़ी हो जाए तो हम नीचे उतार के ठंडी करेंगे ताकि हमारी कुल्फी देखने में और खाने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगे। मार्केट से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट घर पे बन के तैयार होगी। मैंने दूध को अच्छे से चलाते ठंडा किया, आप पंखे के नीचे भी कर सकते हो। साथ ही मैंने आधा कप मलाई कर लिया है, मैंने ताज़ी दूध से निकाल के लिया है, आप क्रीम भी ले सकते हो। घर की ताज़ी मलाई से बनाएंगे तब भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। मलाई ऐसे ही डाल के चम्मच के साथ अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। आप मिक्सी में डाल के भी चला सकते हो। अच्छे से मिलाएंगे तो आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा फ्रोदी और फ्लफी बनेगी, अच्छी क्रीमी और स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। कुल्हड़ कुल्फी बनाऊंगी, आप किसी भी गिलास कटोरी में बना सकती हैं। अच्छे से ठंडा हो जाए तो डालेंगे। ये कुल्हड़ कुल्फी बिल्कुल आसान तरीके से और स्वादिष्ट इस तरीके से बच्चों को बना के खिलाएं, बहुत पसंद आएगी। साथ ही हम बादाम की कतरन डालेंगे, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, अच्छा लगे तो डालें वरना ऐसे ही बनाएं। सिर्फ फॉइल से हम कवर करेंगे, फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ेंगे तो क्रिस्टल नहीं आएंगे। अच्छे से पैक करके हम पूरी रात के लिए फ्रीजर में छोड़ेंगे ताकि बढ़िया सेट हो जाए। मैंने पूरी रात के लिए फ्रीजर में छोड़ दिया था कुल्फी को जमने के लिए, आप 6 से 7 घंटे भी छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग हमारी कुल्फी बन के तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, ऐसे कट करके दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम, इतनी स्वादिष्ट और अमेजिंग बनी है। आप एक बार बना के खाओगे तो बार बार खानी पसंद करेंगे। ना कोई कलर ना कोई केमिकल, घर के ही सामान से बिल्कुल मार्केट से ज़्यादा स्वादिष्ट और अमेजिंग ये कुल्फी एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें, बहुत पसंद आएगी। ऐसी ही हमने छोटी गिलासी में जमाई है, आप इस तरीके से चम्मच लगा के भी बना सकते हैं। हल्की सी पानी में डिप करेंगे तो आसानी से निकल जाएगी, आप देख सकते हो। आप चूस चूस के खाएं, आप चाट चाट के खाएं या कट करके खाएं, इतनी स्वादिष्ट और लाजवाब बनी है। आप एक बार बना के खाओगे तो खाते रह जाओगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर किया करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी स्वादिष्ट और अमेजिंग रेसिपी लेके आते रहें।